न्यूज बोर्ड की टीम उसी शमशान घाट पहुंच चुकी है जहां बड़ा हादसा हुआ और 25 जिंदगियां इस शमशान घाट ने ली। इस वक्त मेरे पीछे आप देखेंगे यहां दो चिताएं जल रही हैं। ये वही चिताएं हैं जिनमें जो लोग कल दब गए थे, ये लोग यहां पर चिता जलाने के लिए आए थे, अंतिम संस्कार करने के लिए आए थे, लेकिन इनको नहीं मालूम था कि इनका अंतिम संस्कार महज 2 या 4 घंटे के बाद यहाँ हो जाएगा। आप देखेंगे कैमरा से कहूँगा चौतरफा को यहाँ पर दिखाएं कि किस तरीके के यहाँ हालात थे, किस तरीके का मंजर था। जो मलबा है यहाँ पड़ा हुआ है, ये बताया जाता है कि ये जो मलबा है ये जो मेन रोड है वहाँ से लेकर यहाँ तक यहाँ लेंटर पड़ा हुआ था और ये झोपड़ी टाइप झोपड़ी का शेप है उस तरीके से लेंटर था। लेकिन यहाँ ये लोग जो हैं ये बता रहे हैं कि इसकी जो सामग्री है जिसमें इस्तेमाल हुई है इसकी और गुणवत्ता इतनी अच्छी नहीं थी, बेहतर नहीं थी, जिस वजह से ये धराशायी हो गया और ताश के पत्तों की तरह ये बिखर गया। इसी मलबे के अंदर जो लोग थे वो दबे, हालांकि 25 लोगों की मृत्यु हो गई है। कैमरे से कहूँगा तो नज़दीक से दिखाए जो लग रहा है देखने में ये 4 से 5 सूत का सरिया है और इसके अलावा जो सामग्री आपको दिखाई देगी इसकी गुणवत्ता इतनी बेहतर नहीं है क्योंकि रेतीला, ये अब देखें किस तरीके से, ये शायद यही वजह रही है कि ये धराशायी हो गया, इसमें काफ़ी लोग दबे, 25 लोगों की मृत्यु हो गई। अब सबसे बड़ी बात यह है कि तमाम जो लोग हैं वो डेड बॉडी रखकर सड़क पर बैठे हैं, जाम लगाए हुए हैं। हालांकि यहाँ पर IG रेंज मेरठ प्रवीण कुमार पहुँचे हुए हैं, अनित तसीम ऐशराम कमिश्नर पहुँची हुई हैं और लोगों को मनाने की कोशिश कर रही हैं। मान रोल चल रहा है लेकिन लोग हैं मानने के लिए तैयार नहीं है। सीधे तौर से CM योगी आदित्यनाथ से बात करने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है, हालांकि अभी निष्कर्ष नहीं निकला है लेकिन देखना होगा कि क्या कुछ निकल कर आता है, किस तरीके से ये लोग मानेंगे। चूँकि गाजियाबाद से लेकर पूरा मेरठ तक ब्लॉकेज हो चुका है, जो आने जाने वाले राहगीर हैं वो पूरी तरीके से परेशान हैं। मोदी नगर से डिवाइड किया गया है पूरे ट्रैफिक को और हापुड़ के लिए भेजा जा रहा है, लेकिन जो लोग सुबह के चले हुए हैं वो अभी तक भी मोदी नगर में अटके हुए हैं। ऐसे में ये ब्लॉकेज कब खुलेगा ये भी सवाल है और दूसरा शासन और प्रशासन के लोग जो लोग पीड़ित हैं, जिनके लोग अपने खो चुके हैं, उनको किस तरीके से संतुष्ट करेंगे यह भी देखना लाजमी होगा। कैमरन बाबर चौहान के साथ मनोवर चौहान, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, मुरादनगर।